बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आयशा खान और आज मैं बनाने लगी हूँ सालसा प्लस चटनी। सालसा और देसी चटनी का जो है ये फ्यूजन है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने पहले धनिया ले लिया है, आधी गट्ठी मैंने धनिया ले के इसको धो के और निचोड़ने के लिए रख दिया था इसका पानी। और इसको हमने बनाना है, ये चॉपर में बना रही हूँ मैं, इसको हमने मोटा मोटा ही क्रश करना है, यानी मोटी मोटी चटनी बनेगी ये कोई पेस्ट नहीं तैयार होगा, ये चटनी मोटी मोटी ही बनती है। और जनाब मैं दिखा देती हूँ, इसके लिए मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये एक प्याज है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, इसको हम अक्सर अपने राइस के साथ, गर्मियों में रोटी सालन के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इसको जिस चीज़ के साथ भी खाएं, गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी, बाकी मैं बाद में शामिल करूँगी। और ये है एक चम्मच टी 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, सॉरी भुना हुआ जीरा, सिर्फ कुटा हुआ तो नहीं है ये, भुना हुआ, वो इसमें शामिल कर दूंगी। ये एक चम्मच जो है वो नमक की चटनी हमारी काफ़ी तादाद में, उस हिसाब से मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। और ये है अनारदाना, इसको मैंने पहले कूंडी में कूट लिया, अच्छे से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको आप शामिल करें अपनी चटनी में, अगर नहीं शामिल करना चाहते तो ना भी डालें, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। तो चलिए हम इनको कूट लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी हम इसको मोटा मोटा कूट लेंगे, बस 1 से 2 दफा मैं सारी डालूंगी, आपने इतनी ही डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्चें और थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 5-6 मिर्चें और, लेकिन मैंने पहले इसलिए कम डाली है कि मैं मिर्चें बहुत कम खाती, मैं थोड़ी सी अपनी एक प्याली ये वाली चटनी निकाल लूँगी और फिर इसमें यह मिर्चें शामिल करके मैं इसको जो है मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। तो अब मैं जो है अपने लिए निकाल लेती हूँ थोड़ी सी ये चटनी इस तरीके से, क्योंकि मुझे जो है मिर्चें कम खानी होती हैं, और बाकी इसमें मैं पकाया मिर्चें शामिल करके और फिर इसको एक दफ़ा और चॉप कर लूँगी। बहुत मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो चलिए अब मैं इसमें ये वाली मिर्चें शामिल कर देती हूँ सारी, और थोड़ा सा हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं क्योंकि चॉपर है, तो चॉपर में जो नीचे वाली तह रह जाती है वो ज़्यादा फाइन बारीक हो जाती है और ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा मोटा मोटा रहता है, तो मैं इसलिए इसको ध्यान से ब्लेड से संभाल के चम्मच से थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर लूँगी। ये देखिए जो नीचे वाली हमारी है वो अच्छी फाइन हो जाती है, तो हमें सिर्फ इसको जस्ट मोटा मोटा कूटना है। जी देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी हमारी जो है खूबसूरत मज़ेदार किस्म की जो है तीखी सी चटनी तैयार हो गई। मैं आपको इसी में दिखाती हूँ, ये देखें ये इस तरीके से, ये सालसा प्लस हमारी देसी चटनी। ये आप चिकन मंडी के साथ जो चावल होते हैं चिकन वाले राइस उनके साथ, और मटन मंडी के साथ जिसके साथ भी सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। जी तो चटनी हमारी तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप इसको दाल चावलों के साथ, पकौड़ों के साथ और बेसन की रोटी के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ खा सकते हैं। और जो हम बनाते हैं अरेबियन चिकन मंदी, चावल जो राइस है एक तरह के उनके साथ, तो ये होती है यही वाली चटनी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी में, आसान सी रेसिपी में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।